नमस्कार, आप देख रहे हैं kusitimes.com और मैं हूं रविकांत कुमार। एक तरफ सरकार बाल संरक्षण को लेकर लगातार प्रचार प्रसार कर रही है, विभिन्न संघ संस्थाएं भी इस पर काम कर रही है, और इसी बीच मधेपुरा जिले के शंकरपुर थाना क्षेत्र के बसंतपुर हाट पर शुक्रवार देर रात एक नाबालिग 11 वर्षीय लड़के को चोरी के आरोप में गंभीरता से उनकी पिटाई की गई है। उनकी पिटाई का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल मामला था कि स्थानीय एक दुकानदार का आरोप है कि 11 वर्षीय जो बालक था वो उनकी दुकान में चोरी कर रहा था। चोरी करते हुए उन्हें पकड़ा गया, उसके बाद दुकानदार ने अपने परिजनों के साथ मिलकर उसके हाथ पैर बांध कर रात भर उसकी पिटाई की गई। हालांकि इसी बीच इस घटना की सूचना किसी ने शंकरपुर थाना अध्यक्ष को दी। थाना अध्यक्ष ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त बालक को उस दुकानदार के चंगुल से छुड़ाया और थाना लेकर आ गए। जय कुमार और केशव मारे मनिया जय कुमार और कन्या ललन सा के कते घर छे ओकर हमरे आज हमरे घर के बगल में छे। किया मारलो कोन गांव बसंतपुर किया मारलो को चोरी किया के लिए सर संकीज नहीं आता है वही सुन ले राम कुछ नहीं निशा में तोरा कुछ पता नहीं चल रहा तो बहन का रख लो रहा कथी से मारे रहो लोहा से मारे रॉड से मारे रहो। मुजफ्फरपुर के माड़ीपुर स्थित होटल सीमना में सोड़ी मियां घराना के मशहूर गायक बज्जन खान ने ऑडियो एल्बम का लोकार्पण किया है। इस कार्यक्रम के दूसरे सत्रों में रंजना झा ने डॉक्टर भावना की गजलों को प्रस्तुत किया है। इस अवसर पर बहुत सारे विद्वत जन मौजूद थे। मौके पर अरविंद कुमार रवि ने कहा कि भावना के अनेक तरह के अनेक भाव की गजल दिल को मोह लेने वाली होती है। भागलपुर सुल्तानगंज नगर परिषद कार्यालय के सभागार में अस्थायी समिति के गठन के लिए एक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता SDM आशीष नारायण ने किया। बैठक के दौरान वार्ड 22 की पार्षद सरिता देवी और वार्ड संख्या 10 की पार्षद नाजमा खातून और उषा देवी को गोपनीयता की शपथ दिलाई गई और इस दौरान उप मुख्य पार्षद पर अविश्वास प्रस्ताव के लिए अर्जी भी लगाई गई है। सर, किस मामले में अविश्वास प्रस्ताव लगाए हैं आपने? सभापति नगर परिषद सुब्रमण्यम के द्वारा स्थित त्याग पत्र दे दिया गया था, इसीलिए मैं उस सीट के लिए मैंने दावेदारी पेश करने वाले थे बनेंगे, लेकिन अचानक उनके द्वारा वापस ले लिया गया, जो कि सभी पार्षदों ने हमको समर्थन दिया है कि आप अविश्वास प्रस्ताव लाइए। 17 आदमी का हस्ताक्षरयुक्त हम अविश्वास प्रस्ताव पेश किए हैं और लगभग 20 पार्षद ने हमको समर्थन देने का वचन दिया है। क्या नाम है सर आपका? मनोज कुमार, आज नंबर 21 का हम पार्षद हैं और मेरे पत्नी पहले उपसभापति नगर परिषद के खंडन से 10 वर्ष रह चुके हैं और ये विकास के नाम पर मुझे चुना जाए। मधेपुरा जिले के गम्हरिया PHC में कार्यरत चिकित्सकों की लापरवाही की वजह से
एक बार फिर एक बच्चे की मौत हो गई है। मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया, सड़क जाम कर टायर जलाकर स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको बता दूं कि गम्हरिया में इस वक्त पीएचसी में जो कार्यरत स्वास्थ्य कर्मी हैं और वहां के स्थानीय लोगों के बीच काफ़ी अनबन है। बताया जा रहा है कि वहां के जो स्थानीय लोग हैं उनके आरोप है कि जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो लापरवाह हैं, लापरवाही बरतते हैं, जिसके कारण आए दिन मरीजों की मौत होती जा रही है। वहीं चिकित्सा कर्मियों के द्वारा ग्रामीणों पर मारपीट करने का आरोप लगाकर पीएचसी में हड़ताल किए हुए। हालांकि वरीय अधिकारी की माने तो कह रहे हैं कि अब सब कुछ ठीक ठाक हो गया, लेकिन ग्रामीणों की अगर माने तो कुछ भी ठीक ठाक नहीं है। सब डॉक्टर बोल रहे हम लोग स्ट्राइक पे, बच्चा मर गया हम लोग का। प्रशासन भी जो है, प्रशासन भी उसी का है। कल इतना ही, चलते चलते एक छोटी सी अपील, अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे फेसबुक पेज कोसी टाइम्स को लाइक कर दीजिए, खबर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे यूट्यूब चैनल कोसी टाइम्स को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन भी दबाइए, ताकि हमारी जो भी खबर होगी तुरंत आप तक पहुंच पाएगी। और इसके साथ साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ ही बिहार की तमाम ताजा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट www.kositimes.com पर लॉगिन भी कर सकते हैं।